जानते हो नोटों पर कायदे आजम की तस्वीर क्यों है? नहीं, क्योंकि कायदे आजम देखना चाहते हैं कि चौधरी शुजात वोटिंग वाले दिन पंजाब असेंबली आता है या क्योंकि कायदे आजम देखना चाहते हैं कि बार्सिलोना के पास बैंकरप्ट होने के बावजूद इतने सारे प्लेयर्स एक ही समर ट्रांसफर विंडो में कैसे आ गए, और क्योंकि कायदे आजम ये सुनना चाहते हैं कि जिंदगी में मिले हमें बड़े धोखे, हमजा शहबाज अब वजीर आला नहीं रहे। इट्स ओके, रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो है वो जा चुका है अब बार्सिलोना, और लगता ऐसे ही है कि जैसे हमजा शहबाज अब वजीर आला नहीं रहे, उसी तरह लेवेंडोस्की भी जो है वो बायर्न म्यूनिख का प्लेयर नहीं रहा है, एंड ही हैज गॉन टू बार्सिलोना, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड एंड सर्टनली वन ऑफ द टॉप टू क्लब्स इन ला लीगा। लेकिन सीन ये है कि अब देखना ये है कि किस तरह लेवेंडोस्की जो है, जिसने लास्ट 34 अपीयरेंसेस में बुंडेसलीगा में 35 गोल्स किए हैं, 3 असिस्ट्स कर चुका है लास्ट सीजन बुंडेसलीगा के अंदर, 10 गोल जो है उसने 13 अपीयरेंसेस में दागे थे चैंपियंस लीग के अंदर, एंड ही हैड अ स्टेलर सीजन, मतलब 42 नॉन पेनल्टी गोल्स लेवेंडोस्की ने किए 46 गेम्स में लास्ट सीजन, और अगर देखा जाए उसका रिकॉर्ड अगर देखा जाए एज अ प्लेयर तो एज अ स्ट्राइकर तो ही इज फिनोमिनल, और जितने भी गोल्स उसने किए हैं वो 12.3 यार्ड्स से उसने गोल्स किए, मतलब ही इज अ फॉक्स इन द बॉक्स, एंड उसकी जो टाइमिंग है, जो रन्स की टाइमिंग है इन टू द बॉक्स, उसकी जो पोजिशनिंग है वो एब्सोल्युटली क्लिनिकल और फिनोमिनल है, और जब से वो 30 साल का हुआ है तो पिछले 3 सीजन में उसने 110 गोल्स किए हैं बायर्न म्यूनिख के लिए, जब से वो 30 साल का हुआ है ही इज एब्सोल्युटली ऑन फायर, एंड ही इज 33 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। देखना ये है कि जो स्टाइल ऑफ प्ले है बार्सिलोना का, उसमें लेवेंडोस्की जो है वो उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है या नहीं, क्या वो उस मोल्ड में, उस सांचे में ढल सकता है जो जावी चाहता है, जो मॉडल, जिस मॉडल के साथ जावी खेलना चाहता है, और जावी का मॉडल है टाइम एंड स्पेस, कि जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, स्पेस को कम किया जाएगा, ऑपोजिशन के पास टाइम कम होगा, और पासेज जितने किए जाएंगे अपने लिए, अपनी टीम के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनेंगी कि वो किसी तरह जो ऑपोजिशन के डिफेंस है उसको ब्रेक कर सकें। इसमें यह है कि अब अंसु फाटी है, डिपाए है, मेम्फिस डिपाए बार्सिलोना के पास, एंड उनके पास मूसा डेम्बेले है, और अब रफीनिया भी साइन कर लिया उन्होंने 60 मिलियन यूरोस के लिए। इस दफा 5 मेन साइनिंग्स की हैं, 2 फ्री ट्रांसफर थी, फ्रैंक कैसी को साइन किया बार्सिलोना ने, क्रिस्टेंसन को साइन किया, उसके बाद 60 मिलियन का रफीनिया साइन किया, 50 मिलियन का जूल्स कुंडे सेविया से साइन किया, एंड लेवेंडोस्की यू ऑल नो 45 मिलियन यूरोस का उसको साइन किया है। तो 5 मेन साइनिंग्स जो हैं वो कर चुकी है बार्सिलोना, लेकिन अब देखना ये है कि ये किस तरह से बार्सिलोना के स्टाइल ऑफ प्ले में अब ये खेलते हैं। मेनली अगर स्टाइल ऑफ प्ले लेवेंडोस्की का देखा जाए तो उसको सर्विस चाहिए होती है, फीड उसको करना पड़ता है विंगर्स को, ताकि वो अगर बॉल फीड करेंगे तभी वो उस अटैक के एंड्स पे पहुंच पाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी स्ट्राइकर के लिए अगर उसको सर्विस ना मिले, चाहे वो लेवेंडोस्की जैसा एक क्लिनिकल गोल स्कोरर, गोल कोचर ही क्यों ना हो। तो सीन ये है कि अब देखना ये है कि क्या डेम्बेले रुकता है बार्सिलोना या नहीं, एंड रफीनिया किस तरह से फैसिलिटेट करेगा लेवेंडोस्की को। लेवेंडोस्की बॉक्स इन द फॉक्स वाला, जैसे कि मैंने बताया, प्लेयर है, एक तरह से टारगेट मैन भी है, हाँ डीप ड्रॉप इन भी कर सकता है, लेकिन एक वीकनेस है कि वो एक तो थ्रू द मिडल खेलता है मोस्टली, और दूसरा ये है कि वो इतने प्रेशर्स नहीं करता। अगर हम लेवेंडोस्की के प्रेशर्स का मुवाजना करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, तो उसमें जो एक हमें नजर आ रहा है नंबर्स का कि 9 प्रेशर्स जो है वो ऑपोजिशन को करता है, 9 दफा प्रेस करता है पर 90 मिनट्स ऑपोजिशन को, और 7 दफा वो प्रेस करता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो ऑपोजिशन को प्रेस करता है 7 टाइम्स। तो ये एक ऐसा कंपैरिजन है जिसमें साफ पता लग रहा है कि लेवेंडोस्की जो है वो इतना ज्यादा प्रेसिंग नहीं करता ऑपोजिशन के प्लेयर्स को, और जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आजकल ऑफ द बॉल आपकी जो मूवमेंट है उसकी सारी गेम है, आजकल यही हो रहा है, एंड इफ यू डू नॉट प्रेस यू आर नॉट गुड इनफ फॉर द टीम। बेशक आप जितने मर्जी गोल्स मारे, यू कैन नॉट विन टाइटल्स इफ यू डू नॉट प्रेस फ्रॉम द फ्रंट। तो ये अब जावी को देखना पड़ेगा, और कुछ
कहना चाहिए कि हिंड्रेंसेस हैं, कुछ लैकनेस है उसके जो गेम है लेवेंडोस्की की, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील हो रहा है कि शायद मे बी बार्सिलोना थोड़ी सी शुरू में स्ट्रगल करे लेवेंडोस्की के साथ और उसको लालिगा में थोड़ी सी मुश्किलात हों। बट जिस तरह की डिफेंसेस है लालिगा में, टेक्निकली डिफेंसेस होते हैं, कुछ डिफेंसेस ऐसे भी होते हैं कि बाज दफा हाई लाइन खेल रहे होते हैं और बॉल प्लेयर्स होते हैं डिफेंस के अंदर, मे बी लेवेंडोस्की उन पर प्रेशर क्रिएट करके अपनी फिजिकैलिटी यूज करके मे बी कामयाब हो जाए। सो वी विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो ये थी जो आज की वीडियो थी, जो कि मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह बार्सिलोना ने ये साइनिंग्स की हैं। मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि उनके पास पैसा कहां से आया, मैं इसकी बात करूंगा कि वो किस तरह से अब इन साइनिंग्स को लेकर आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि पिछला सीजन जो था वो एक ट्रांजिशनल सीजन था और उसके बाद जो उन्होंने साइनिंग्स की हैं वो बहुत ही कमाल साइनिंग्स। अगर हम बायर्न म्यूनिख को देखें और लेवेंडोस्की को देखें, तो उनके जो प्लेयर्स हैं बायर्न म्यूनिख के, उन्होंने इस तरह की बॉडीज बनाई हैं कि मेरे जैसे बंदे की 7 पुश्तें भी इस तरह की बॉडीज कभी नहीं बना सकते। दे आर जस्ट देयर ट्रेनिंग रूटीन, देयर डाइट प्लान, देयर न्यूट्रिशनिस्ट्स, दे आर आउट क्लास। और उसी वजह से लग रहा है कि शायद लेवेंडोस्की 2 साल नहीं बल्कि शायद 3 साल तक बार्सिलोना को सर्व करें। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी आपका फीडबैक है तो मुझे जरूर बताएं। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर जरूर करें। मैं हूं शायान उबैद और आप देख रहे हैं एंथुजियास्टिक कमेंटेटर। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। हस्ता ला विस्ता।